सब जग जानी। भैया करम प्रणाम जो युग पानी, करम प्रणाम जो युग पानी। साधु जी सीताराम, अरे जोर से बोलो भैया, कैसे हो? अंग्रेजी में कहें तो हाउ आर यू। हाँ, कल चर्चा किस पर की थी प्रारंभ में? राम जी पर ना, है? राम जी पर की थी। परसों किस पर की थी? है? आज रावण पर करते हैं, किसी ने नहीं की होगी। आज कोई हम सोच के नहीं आए थे, चूंकि इतनी व्यस्तता थी कि महाकालेश्वर से प्रातःकाल लौटे, फिर दरबार, और दरबार के बाद जाके सीधा कुछ पाप उके और आ गए। लेकिन हमारे मन में अभी बैठे बैठे लग रहा है कि राम जी की चर्चा बहुत की, जरा रावण की खूबी जानते हैं कि आखिर रावण किस खेत की मूली रहा। हाँ, रावण का पावन चरित्र भी भगवान जाने किसी महापुरुष ने गाया हो तो खबर नहीं, पर हमारा थोड़ा उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। खबर नहीं दोनों की एक जैसी आदतें मिलती हों, दस सिर तो नहीं है। रावण पर चर्चा करने का ध्येय हमारा कोई अलग से नई कथा का निर्माण करना नहीं है, रावण पर चर्चा करने का ध्येय है अभिमान के विनाश की कथा करनी। रावण अभिमान का प्रतीक है, अभिमान को मिटाना है तो रावण के चरित्र को जीवन में बहुत पढ़ना है। आप प्यारे साधु पागलो, रावण अपने जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त करता है, सिद्धियां, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, बल, विद्या, यहां तक कि भगवान को भी प्राप्त करता है, पर रावण को अगर कुछ खा गया तो उसका अभिमान खा गया। काश रावण के अंदर अभिमान नहीं होता तो रावण आज भी होता। और हम हमेशा एक बात बोला करते हैं पागलो, जीवन में इंसान को न मान प्रिय हो, न सम्मान प्रिय हो, न अभिमान प्रिय हो, न स्वाभिमान प्रिय हो, इंसान को तो सिर्फ हनुमान प्रिय हो। अभिमान और स्वाभिमान विनाश कराता है। रावण की पूरी परिचर्या को आप पढ़ेंगे, रावण का चरित्र पढ़ेंगे तो रावण जैसा विद्वान कोई नहीं है, रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं है। हाँ, कुंभकर्ण आलस जपो अनख जपो दसभाल। पर हमें एक किसी कवि की प्यारी लाइन याद आ रही है, उन्होंने कहा था, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। अहमता, अभिमान, मैं, ये कैसे शब्द हैं जो विनाश के रास्ते खोलते हैं। साधुओं, आप अपने जीवन में मैं को हटाकर हम पर जीना शुरू कर दो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। आपका घातक है मैं, एक विदेशी फिलोसफर, दार्शनिक, बहुत ऊंची बात बोलता था। कभी उसकी किताब हमारे हाथ में लगी थी, बहुत पुराने समय में। उसने अपनी किताब में लिखा था कि मैं अपनी तपश्चर्या पत्नी के पास गया, बहुत दिन बाद मेरा उससे मिलना होना था। मेरी पत्नी वन में रहती थी, तपस्या करती थी। उस दार्शनिक ने कहा कि मैं जब मिलने गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया, जंगल का काम, अंदर से आवाज आई, उस मेरी पत्नी ने, उसने पूछा कौन, तो स्वभावश दार्शनिक कहता है, हमने जवाब दिया मैं तुम्हारा पति। पत्नी ने फिर पूछा कौन, फिर उसने कहा मैं, पहचानो मुझे, मैं। कहते हैं कि वो दार्शनिक पूरे दिन तक मैं करता रहा,
पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। शाम को जब वो थक गया और अंत में थक करके चिढ़ा करके चिढ़ करके क्रोध में भर करके पत्नी ने फिर पूछा, कौन? अब तो क्रोध इसका माथा पारा पल चढ़ चुका था, आवेश में ये भर चुका था। इसने मारे क्रोध में कह दिया, तू। और सुना है कि उसने दरवाजा खोल दिया। पति चौंका, दरवाजा तू क्रोध आने पर ही खोलती है क्या? पत्नी ने कहा, नहीं, जब तक मैं है तब तक मैं नहीं हूं, जब तू है और तू ही तू है तब मैं हूं। मैं एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है, हम एक ऐसा शब्द है जो प्रेम का निर्माण कर देता है, प्रीति का निर्माण कर देता है। हम शब्द एक ऐसा प्यारा शब्द है जिससे प्रीति का निर्माण, प्रेम का निर्माण होता है, और प्रेम का निर्माण जीवन में परमात्मा के मिलन का एक रास्ता खोलता है। रावण के जीवन में तपस्या थी, रावण के जीवन में, स्वयं के जीवन में विवेक था, विद्वान था, रावण बलवान था, योद्धा था, रावण ज्ञानी था। एक सिर तो ठीक, 10 मूड बराबर उसके पास बुद्धि थी। रावण शास्त्र का ज्ञाता था, रावण त्रिकालज्ञ था। रावण वनवासी, राम को जरूर वनवासी कहता था, पर भगवान राम को यह जानता था कि यह भगवान है। कब? जब राम जी से मिलन भी नहीं हुआ तब रावण पहचान गया था कि यह राम भगवान है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने पहले की। खर दूषण मौसम बलवंता इनही कुमार बिनु भगवंता। रावण जानता था खरदूषण मेरे समान बलवान है। रावण को पता था खरदूषण मेरे समान योद्धा है। रावण को ज्ञात था कि खरदूषण मेरे जैसा विवेकवान है, और खरदूषण अगर एक बाण में मारा गया तो मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, मेरा परमात्मा ही अवतार लेकर के आ गया है। किसी ने रावण से पूछा कि तुम जब इतना सब जानते हो, त्रिकालज्ञ हो, तुमने समझ लिया कि खरदूषण को मारने वाले भगवान है, फिर तुमने उन भगवान राम की धर्मपत्नी का हरण क्यों किया? रावण कहता, ये मैं बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं, पत्रकार ने पूछा कि आप बताओ ना, आपने राम जी से विरोध क्यों किया? रावण कहता है, उद्धार के लिए। चौंक गया पत्रकार, पत्रकार की भी बुद्धि चकरा गई होगी। तो पत्रकार कहता है कि आप उद्धार ही करवाना चाहते थे तो उसमें पत्नी के हरण की क्या आवश्यकता है, आप सामने जाते, भगवान से कुछ उपद्रव करते, राम जी तीर मार देते, तुम्हारा काम खत्म, कह देते हमें मरना है। फिर ये धर्म पत्नी का हरण करना, लंका में लाना, फिर युद्ध करना, फिर कुंभकर्ण को भेजना, मेघनाथ को भेजना, फिर खुद मरना, इन सबको पहले तपवाना। रावण बहुत प्यारा जवाब देता है। रावण कहता है, मैं अपना तो उद्धार कर ही लेता, कैसे भी करके कर लेता, पर हमारे प्रभु ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीर्ण। राम ने संकल्प लिया था पूरी पृथ्वी से राक्षसों को मिटा देंगे, और मेरे राम का प्रश्न, मेरे राम का संकल्प अधूरा रह जाता अगर केवल मैं मर जाता। अपने राम के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम राम को लंका लाए।